कौन करत तोरी बिनती पियरवा, मानो न मानो हमरी बात। कौन करत तोरी बिनती पियरवा, जब से गए मोरी सुधु नलिनी, जब से तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगीत शिक्षा हिंदी में। मैं शिवम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये राग बागेश्वरी की बंदिश का ट्यूटोरियल है, तो मैं हल्का सा आपको ताल में गाकर बता रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं राग बागेश्वरी। इसकी बंदिश की स्वरलिपि मैं आपको बताऊंगा, और बीच बीच में आपको मैं इसका पूर्ण परिचय के बारे में, इसकी जो जानकारी है वो मैं बीच बीच में आपको इसका देता जाऊँगा, ठीक है। तो शुरू में एकदम मैं बोलूँगा तो आप लोग फिर बोर होने लगेंगे, तो मैं थ्रू द टॉपिक बात करते चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले चीज राग बागेश्वरी की जाति मैं बता देता हूँ, और थाट। सबसे पहले थाट इसका काफी है, जिसमें गानी कोमल प्रयोग होता है। इसकी जाति है औडव संपूर्ण। कभी कभी इसकी जाति में भेद भी है, मतभेद भी है, कुछ लोग औडव औडव मानते हैं। वर्जित स्वर जो है आरो में, औडव है तो 5 स्वर है, अवरो में संपूर्ण जाति बताई गई तो 7 स्वर प्रयोग किए गए हैं। तो आरो में जो स्वर वर्जित है वो है रे और पा, ओके। पर अवरो में जो जाति का मतभेद मैं आपको बता रहा था, अवरो में कुछ लोग इसे शाड़ब मानते हैं, तो पा नहीं मानते, पा वर्जित मानते हैं। पर अवरो में इसका पा का प्रयोग वक्र है इस तरह से, मा प ध ग मा प ध ग मा ग रे स, ओके। तो इसीलिए इसका जाति का मतभेद है। वादी स्वर इसका मध्यम है, संवादी षड़ज है। संप्रकृति राग इसकी भीम पलासी है, और गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है, कुछ लोग द्रुति भी मानते हैं, ठीक है। तो आरो अवरो पकड़ में आपको एक बार गाकर बताता हूँ, चलिए। तो आरो अवरो में भी इसके बहुत मतभेद हैं, वो भी मैं आपको बताऊँ। मतभेद नहीं है, प्रकार कह सकते हैं, उचित वर्ण यही कहेगा, यही होगा। तो सामा सा की राग है, सामा सा पर गाई जाती है, सापा सा पर नहीं, सामा सा पर गाई जाएगी, ठीक है। चलिए, तो पहला जो आरोह अवरोह जो मैं गाता हूं, जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, तो वो ये है, कभी अवरो जो है इस तरह से भी आता है, सा नी ध म प ध ग म रे सा, ये उचित है। बुक में सीधा सीधा आ रहा है, बुक में ऐसे लौट रहा है, सा नी ध म ग रे सा, पर मैं दोनों को ही गलत नहीं मानता हूं, पर ये ज्यादा उचित लगता है, क्योंकि इसकी जाति के अकॉर्डिंग ये वक्र प्रयोग जो मैंने पहले बताया था प्रारंभ में, वो इसको क्लियर करता है। सा नी मा पदा गा रे सा, इसमें माँ और धा की संगति बार बार दिखाते हैं। तो देखिए, अब इसकी पकड़ देखिए, सा नी ध नी सा कौमा मा गा मा धा नी धा मा पदा गा मा गा रे सा। तो पकड़ में आपको वो संगतियां जो होती हैं वो इसमें ये भी मिलेगी आपको कि म ग रे सा, और ये भी मिलेगी ग म रे सा। सो डोंट बी कंफ्यूज, राग वही है, स्वर संगतियां भी वही है, स्ट्रक्चर भी वही है। स ग म ध नी ध नी ध म नी ध म प ध ग म ग रे सा नी ध सा नी ध नी स
सर सर। चलिए तो इसकी बंदिश मैंने थोड़ा सा आपको गाकर पहले ही बता दी है, तो हम सीधा स्वर लिपि पर ही चलते हैं। और पहले मैं शब्द बता देता हूँ कि शब्द हैं, कौन करत तोरी बिनती पियरवा, मानो ना मानो हमरी बात। ये स्थाई के बोल है, तीन ताल में निबद्ध है, मदले में गाई जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ अंतरे के बोल है, जब से गए मोरी सुध हुना लीनी, काहे सखियन के घर जात। ओके, तो मैं एक बार और सुना देता हूं थोड़ा सा। कौन करत तोरी बिनती पियरवा, कौन करत तोरी बिनती पियरवा, मानो ना मानो हमरी बात। कौन करत तोरी बिनती पियरवा। ये स्थाई है। मैंने जो शुरुआत में राग ट्यूटोरियल शुरू होने से पहले जो बंदिश गाई थी, ये जो बंदिश गाई है वो डिफरेंट लय में गाई, थोड़ा सा तेज लय में गाई है, और कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक रिदम लगाया हुआ है इसीलिए। अंतरा, जब से गए मोरी सुधु नालीनी, जब से गए मोरी सुधु नालीनी, काहे सखियन के घर जा। ये सागम दजा, ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ये स्वरलिपि में नहीं है। जा, अब आइए हम इसकी स्वरलिपि आपको बताते हैं। सासनी निधा मा पद ग ग रे सा रे रे सा सा। ये पहली लाइन है। सासनी निधा मा पद ग ग रे सा रे रे सा सा। एक एक शब्द के साथ मैं बताता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कौन कर सासनीनी, कौन करत तोरी धामा पधा ग ग रे सा रे रे सा सा, बिनती पियरवा, बिनती पियरवा। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन। मानो ना मानो मानो ना सा सा धानी सा मा मा मा, तीन मा है, सा मा मा मा, ये चार हो गए। मानो ना सा सा धानी मानो ना मानो सा मा 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 मानो मा धानी धा हमरी हमरी। आप आराम से लिख भी सकते हैं इसको, हमरी बात बात मादा निधा मगरे सा बात। अब अग्रह है, जब मैं किसी भी हम शब्द की मात्रा बढ़ाते हैं तो अग्रह लगाते हैं, बात बात। तो देखो, देखिए, मानो ना मानो मानो ना मानो हमरी बात, कौन करत तोरी बिनती पियरवा, सासनी निधा मा पद ग ग रे सा रे रे सा सा। नेक्स्ट लाइन, सा सा धनी सा मा 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 धनी धा मा ग रे सा 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 नी नी धा मा पद ग ग रे सा रे रे सा सा। तो इसका अभ्यास आप निरंतर करते रहें तब ये मास्टर हो जाएगा ये राग। सो कमिंग टू द अंतरा। जब से गए मोरी गमदनी सा 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 सा, गमदनी सा 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 सा। चार सा है और गामाधानी स्ट्रेट, चार स्वर हैं, चार विभाग हम लोग डिवाइड करते हैं तीन ताल की बंदिश लिखने के लिए। ओके, सो एक एक विभाग में बोल रहा हूँ और खाली से शुरू हो रही है बंदिश। गमदनी सा 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 सा, नि सा रे सा धा सा नी धा, नि सा रे सा धा सा नी धा। आप स्वर
स्वरलिपि भी पहले लिख सकते हैं, फिर मैं शब्द आपको एक एक चीज बोल रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ग म ध नि सा 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 नि सा रे सा धा सा नि धा। जब से गए मोरी सुध हूँ नलिनी, जब से गए मोरी सुध हूँ नलिनी। देन आफ्टर काहे धा 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 काहे सखियन नीनी धामा। अंतिम लाइन है धा 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 नीनी धामा। काहे सखियन के घर जात गागारे रे गागारे सारे रे सा सा सॉरी गागारे सारे रे सा सा। ये पूरी बंदिश हुई। अब इसके बाद तिहाई जब लगेगी तो आधी लाइन्स लगेगी, और मैं फिर से आपको गाकर बताता हूँ। जब से गए मोरी सुध हूँ नलिनी, जब से गए मोरी सुध हूँ नलिनी। काहे सखियन के घर जा कौन करत तोरी बिनती पियर वा। तो ये पूरा इसकी राग का परिचय हुआ। तो आई होप यू विल लाइक इट, सो कीप प्रैक्टिसिंग इट, सो डेफिनेटली आप इसे मास्टर कर लेंगे। सो आई होप यू विल लाइक इट, सो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड कीप वॉचिंग संगशन दी। टेक केयर, और शाम को लाइव पर आएँ 7 बजे।